नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजी अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। पता है बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। काम के बीच में फंस गया था। मंथ एंड मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड भी आ रहा है, तो मतलब उस हद तक वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। बट फिर भी आप लोगों ने इतना दिन तक मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है, अभी तक सपोर्ट बना रखे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, जो लोग मेरा वीडियोज देखते हैं और जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में ना मैं एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करूंगा जिसको लेके बहुत लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। वो फंक्शन है आपका क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग चाहते हैं कि वो सॉल्व मतलब उसका आंसर्स दिया जाए। और जब वो गाड़ी लेने जाते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने देखा है जो लोग क्रूज कंट्रोल के बारे में ठीक से उनको बताया नहीं जाता है कि क्रूज कंट्रोल यूज कब करना है, कैसे यूज कर सकते हैं और उसके प्रीरिक्विजिट्स आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे, उसको आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और कैसे पूरा क्रूज कंट्रोल काम करेगा वो मैं आपको एक चीज करके इसमें बताता हूँ। मैं गाड़ी चला के अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बट किसके क्या क्या फंक्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप जब गाड़ी चलाएं तो उसको आप उस मतलब गाड़ी चलाते वक्त आप उसको यूज कर सके। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको एक एक फंक्शन जो है उसे क्या क्या यूसेज है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूँ एक्सएल सिक्स की, जो नेक्सा की गाड़ी है, एक्सएल सिक्स मारुति सुजुकी, ये टॉप वेरिएंट है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। पहला चीज है क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए जो आपको फर्स्ट चीज फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ऊपर होनी चाहिए और आपका गियर जो है ये तो फिलहाल ऑटोमेटिक है, बट गियर जो है वो आपका थर्ड गियर एंड अबव होना चाहिए। मतलब सेकंड गियर में अगर आप 40 की स्पीड आप करते हैं तो आपका क्रूज जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और थर्ड गियर में अगर आप 30 की स्पीड पे चलाते हैं तो आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर एंड अबव, एंड ये आपका थर्ड गियर एंड अबव होना चाहिए। कई गाड़ियों में ये 35 है, कई गाड़ियों में 30 है, कई गाड़ियों में 40 है। ये आपका मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये वेरी करेगा। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना है। एक बार ये बटन आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये साइन दिखाएगा, ये किलोमीटर पर आर वाला, इसका मतलब आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट हो गया है और अब आप क्रूज कंट्रोल का कमांड्स जो है वो आप दे सकते हैं। अब अगर आपको स्पीड सेट करना है तो आपको जैसे मैंने बताया 40 के ऊपर रखना है, और जैसे आप समझिए 60 पे जाना चाह रहे हैं तो 60 पे आपको इस स्पीड को ले जाना है। ले जाके आपको ये सेट बटन आप जो देख रहे हैं ये सेट बटन आपको प्रेस करना है। सेट बटन प्रेस करने से क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो 60 पे सेट हो जाएगी और अपना फुट जो है वो आप एक्सीलेटर पैडल से हटा सकते हैं और आपकी गाड़ी जो है उस स्पीड में क्रूज करती रहेगी। जब तक आप ब्रेक या क्लच अप्लाई नहीं करते हैं तब तक, एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सेलरेटर अप्लाई करने से आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो कट ऑफ नहीं होता है, आपको ब्रेक्स या क्लच ही अप्लाई करनी पड़ेंगी या फिर आपको ये कैंसिल बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्रूज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कट ऑफ होगा। बट क्रूज कंट्रोल उसमें डीएक्टिवेट नहीं होता। क्रूज कंट्रोल जब आप कैंसिल करेंगे या ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो ये क्रूज का जो बटन है मतलब ये जो आप कमांड्स आप ये जो दे सकते हैं ये हटेगा नहीं, ये तभी हटेगा जब आप ये बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए हट गया, मतलब अगर आप कैंसिल करते हैं और आप ब्रेक्स या क्लच अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या है कि आप ये रिज्यूम बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। ये रिज्यूम देख रहे हैं RES+। सो रिज्यूम का मतलब ये है कि अगर आपका आपकी गाड़ी का पोजीशन इसमें है, मतलब यहाँ स्पीड आपने सेट नहीं कर रखा है बट आपने 60 पे स्पीड के सेट किया था, आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद अगर आप रिज्यूम दबाएंगे तो वो स्पीड जो है फिर से वो 60 पे जाके सेट हो जाएगा, बट उसके लिए भी आपको 40 का स्पीड जो है उसके ऊपर रखना पड़ेगा। समझिए आपने 60 पे सेट किया था, आपकी गाड़ी का स्पीड आ गया 50, आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपकी गाड़ी की स्पीड आ गई 50, उसके बाद क्या है आप ये रिज्यूम बटन अगर आप दबाएंगे तो वो फिर से 60 पे जाकर रुक जाएगा, बट आपका स्पीड अगर आ गया है 30 और उसके बाद अगर आप रिज्यूम बटन दबाएंगे तो वो फिर से 60 पे नहीं जाएगा, आपको 40 के ऊपर ले जाके फिर आपको ये रिज्यूम बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, सेट मतलब आप उस स्पीड पे ले जाके आप उसको सेट कर दीजिए, 70-80 जितना भी हो वहां पे आप सेट कर देंगे तो आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो सेट हो जाएगा उस स्पीड पे, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, क्लच अप्लाई करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेटर अप्लाई करेंगे तो आपका क्रूज जो है वो कैंसिल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने एक ट्रक जा रही है जो कि 80 पे जा रही है, आपकी गाड़ी क्रूज जो है वो 60 पे सेट है, आपको कुछ नहीं करना है, क्रूज आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको जस्ट एक्सेलरेटर प्रेस करना है। एक्सेलरेटर प्रेस करने से क्या होगा, आपका स्पीड जो है वो 70-80-90-100 जितना दूर भी आपको ले जाना आप ले जाइए, उसके बाद जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पैर हटा देंगे आपका क्रूज जो है वो फिर से आकर 60 पे रुक जाएगा। यानी कि आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, आपका सिर्फ स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ के जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटा देंगे आपका फिर से वो उतर के 60 पे आके वो फिर से रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज
ये जो प्लस माइनस देख रहे हैं ना, प्लस माइनस इसे क्या है, आप स्पीड को मैन्युअली इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 60 पे क्रूज को सेट करके रखे हैं और आपको यहां से स्पीड इंक्रीज करना है तो आप ये प्लस कर सकते हैं। सो 1.6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से क्रूज जो है वो बढ़ेगा, यानी कि जो 1 miles इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर पर आर, तो 1 mile के हिसाब से बढ़ता है। तो यहां पे आपका 1.6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा। और अगर आपको मैनुअली डिक्रीज करना है, स्पीड को कम करना है, तो आप इस बटन को यूज करके आप इसको ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी आपका 1.6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही डिक्रीज होगा। होल्ड करके अगर आप रखेंगे इसको, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड करके रखेंगे, सो 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। और इसको अगर आप नीचे की तरफ होल्ड करके रखेंगे तो आप 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड के हिसाब से आपका स्पीड जो है वो कम होगा। सो बेसिकली क्रूज कंट्रोल आपको हाईवेज पे यूज करना है या वहां यूज करना है जहां पे आपकी गाड़ी एट अ स्ट्रेच आप बहुत दूर तक एक कांस्टेंट स्पीड में चला सकते हैं, जहां पे आपका बीच में ट्रैफिक वगैरह नहीं आने वाला है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब एक्सीलेटर से पैर हटा देते हैं तो आपका ध्यान जो है ना पूरा पूरी गाड़ी के ऊपर से हट जाता है। सो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके सामने अगर कोई गाड़ी वगैरह आ जाए या कुछ भी हाईवे पे आ जाए तो आप उस टाइम पे ब्रेक अप्लाई कर सकें। सो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के बाद आप पूरा पूरी मतलब एकदम मतलब कार से डिटैच मत हो जाइएगा, और रास्ते पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि अगर कुछ अचानक से सामने से आ जाए तो आप जो है वो ब्रेक्स वगैरह जो अप्लाई कर सकें। और जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे या क्लच आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्रूज जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, एक्सीलेटर से आपका क्रूज जो है वो कट ऑफ नहीं होता। सो जहां तक मुझे लग रहा है मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप कर लिए हैं रिगार्डिंग दी क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब कई गाड़ियों में क्या है कि आपको ये क्रूज बटन जस्ट दबाने से, जैसे मैंने कई हुंडई की गाड़ियों में देखा है कि ये स्पीड को जो आपको बस जिस स्पीड पे आपको क्रूज सेट करना है वहां तक आपको ले जाकर आपको जैसे सेट बटन दबा देना है, मतलब क्रूज उन गाड़ियों में आपका सिर्फ क्रूज आता है, सेट रिसेट नहीं आता है, रिज्यूम हो गया। सो उसमें जैसे आपको क्रूज प्रेस कर देना है और आपका जो स्पीड है वो सेट हो जाता है। बट मारुति की गाड़ियों में जनरली आपका क्या है, आपका ये क्रूज बटन भी दबाना है, क्रूज दबाने के बाद यहाँ पे ये क्रूज का साइन आएगा और फिर आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा तो आपका स्पीड जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट चीज मुझे बतानी थी, कैंसिल करने से आप, ये शायद मैंने आपको पहले बता दिया, कैंसिल करने से आप ये रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 60 पे थे तो आपको स्पीड को 40 के ऊपर रखना है, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए, 40 के ऊपर रखना है और आपको ये रिज्यूम करने से वापस आपकी गाड़ी जो है वो 60 पे चली जाएगी। बट अगर आप ये बटन दबा देते हैं कैंसिल करने के बाद तो आप इसको रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, फिर से आपको ये करना पड़ेगा, ये बटन एक्टिवेट करना पड़ेगा क्रूज कंट्रोल, फिर से आपको स्पीड पे ले जाकर इसको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद फिर से जब आप कैंसिल करेंगे तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं, बट ये बटन दबा देने के बाद आप क्रूज को रिज्यूम नहीं कर सकते। सो यही था क्रूज कंट्रोल के ऊपर। सो इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज मेरा टॉपिक था क्रूज कंट्रोल, कल या एक दो दिन बाद मैं फिर से आपका ये स्मार्ट प्ले प्रो और स्मार्ट प्ले पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे इसको कंट्रोल करना रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।